आपके कंट्रोल में है सही से ड्रेसअप होना, लेकिन आपके कंट्रोल में नहीं है कि वो दूसरों को पसंद है। एंजाइटी किसको नहीं होती है? एंजाइटी हमारे अंदर होती है और ये कोई खराब चीज नहीं है। देयर इज समथिंग कॉल्ड हेल्दी एंजाइटी एंड अनहेल्दी एंजाइटी। हेल्दी एंजाइटी वो होती है जो हमें प्रिपेयर करती है फॉर द चैलेंजेस वी आर गोइंग टू हैव इन आवर लाइफ। और लाइफ में चैलेंजेस तो होते ही है, लेकिन अनहेल्दी वो एंजाइटी होती है जो हमें इतना डरा दे उन इश्यूज और चैलेंजेस को लेके कि हमारी लाइफ फंक्शन ना कर सके। बट वर्क प्लेस एंजाइटी होती है जो ऑलमोस्ट हर कोई फेस करता है जो भी अपने प्रोफेशनल लाइफ में होते हैं। एंड इट इज नॉर्मल, राइट? आप एक नई जगह में जाते हैं, अब आपकी 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 आइडेंटिटी आपकी काम बन जाती है, आपको डिफाइन करने लगता है आपका प्रमोशन, सैलरी, आपका यू नो वैलिडेशन सीक करने लगते हैं, है ना? So, हम क्या कर सकते हैं अगर आपको वर्क प्लेस एंजाइटी है? सबसे पहले थोड़ा सा स्टेप पीछे लीजिए और खुद के बारे में थोड़ा जानिए। व्हाट इज इट दैट मेक्स यू एंग्शियस? आपको एंजाइटी होती क्यों है इन द फर्स्ट प्लेस? डर लगता क्यों है? क्या आपकी लैंग्वेज सही नहीं है? क्या आपको वो काम नहीं आता जो वो बोलेंगे? क्या आपको लोगों से बात नहीं करना आता? क्या आपकी ड्रेसिंग सेंस सही नहीं है? क्या आपको लोगों के साथ सोशलाइजेशन नहीं आती? जो भी रीजन है, सबसे पहले फाइंड आउट करें रीजन क्या है। सेकंड थिंग, आपने आइडेंटिफाई कर लिया है, अब आप उस पर काम करना शुरू कीजिए। स्टार्ट लर्निंग इट एंड नो दैट उसको आइडेंटिफाई इस लेवल से करना है कि क्या ये मेरे कंट्रोल में है, क्या ये मेरे कंट्रोल के बाहर है। जैसे आपके कंट्रोल में है सही से ड्रेसअप होना, लेकिन आपके कंट्रोल में नहीं है कि वो दूसरों को पसंद है। आपके कंट्रोल में है अपना बेस्ट देना, बट जरूरी नहीं है दूसरे को भी वो बेस्ट लगे। तो आपको उन चीजों पे अपग्रेड करना है, काम करना है जो चीजें आपके कंट्रोल में है। नाउ तीसरी चीज, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, अगर आपका कोई टास्क है, आपका कोई प्रेजेंटेशन है, आपको डर लग रहा है फियर ऑफ फेलियर से, तो आप उसको क्या कर सकते हैं? आप उस प्रेजेंटेशन को स्टेप बाय स्टेप ब्रेक कर सकते हैं। जिसके बारे में प्रेजेंटेशन बनाना, पहले वो नॉलेज लाए, हेल्प लेनी है तो हेल्प ले ले, स्टेप बाय स्टेप उसको बिल्ड करें ताकि आप ओवरवेल्म नहीं होंगे, डर नहीं लगेगा। ये कुछ टिप्स है काम करने के लिए आपकी वर्कप्लेस एंजाइटी पे। बट मोर इम्पॉर्टेंट आपको ये जानना जरूरी है, ये जो एंजाइटी होती है, जो डर होता है ना, ये हमारे बहुत पास्ट से, बचपन से, चाइल्डहुड ट्रॉमास को लेकर हुआ होता है। सो यू शुड सिट विद अ थेरेपिस्ट और फिगर आउट कहाँ से आया है, क्या कर सकते हैं, हाउ कैन आई लेट गो इट सो दैट प्रेजेंट में मुझे इम्पैक्ट ना करे।